नमस्कार साथियों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें आप देखते हैं कि करंट अफेयर्स यानी कि वर्तमान में जो घटनाएं घटती रहती हैं उनसे अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप देखिए सिविल सर्विस हो यानी कि यूपीएससी आईएएस की बात कर रहा हूँ, या फिर आप देखिए स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में स्टेट पीसीएस होता है ना, उत्तर प्रदेश वालों के यहाँ यूपी पीसीएस, बिहार वालों के यहाँ बीपीएससी, एमपी वालों के यहाँ एमपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इस तरह के हर राज्य में पीसीएस का एग्जाम होता है। या फिर आप देखते हैं कि वनडे एग्जाम होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियाँ, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा, पटवारी के लिए होते रहते हैं। तो ये क्लास उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज की इस क्लास में अप्रैल 2023 में जो घटनाएँ घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं विस्तार से। और पिछले जो भी महीने हैं, जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक, या फिर आप देखिए 2022 की घटनाएं, जो भी क्लासें हैं, हर महीने की आपको मंथली करंट अफेयर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है, ये हाल में भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी विदेश विभाग के नए सीईओ बने हैं, इनका नाम क्या है? डेविड शर्मा, रमन एलिस, नथेस मैथ्यूज, रिचर्ड वर्मा। बताइए, ये है रिचर्ड वर्मा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय मूल के हैं रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी सीनेट में विदेशी विभाग में विवर्तन और संसाधन मामलों का उप सचिव बनाया गया, और अमेरिका सरकार के इस शक्तिशाली दायित्व को विदेश विभाग का सीईओ भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि इससे पहले वर्मा 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भारतीय मूल का मतलब क्या होता है, यानी कि आप देखिए इनके, जैसे आप देखिए क्या कहा जाएगा, भारतीय मूल यानी कि आप देखेंगे कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है, कहने का मतलब ये रहता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारी बैंक है ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो आरबीआई एक्ट आप देखते हैं ना, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखते हैं कि अभी वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में दो पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं? हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो आप देखेंगे कौन होंगे इसमें, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके निरंजन गुप्ता हैं। कौन है? निरंजन गुप्ता। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें ए ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की उम्र में डेथ हुई है, वह थे, क्या थे? तो आप देखेंगे पूर्व क्रिकेटर थे। और इस तरह के खेल से, खिलाड़ी से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी सलीम दुर्रानी का डेथ हुई है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दुर्रानी पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मान नवाजा गया था। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना खिलाड़ियों को, ये 1961 में आप देखते हैं शुरुआत हुई थी इसकी, तो उसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व शौचालयता जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, विश्व शौचालयता दिवस की बात हो रही है, ये कब मनाया जाता है? ये आप देखते हैं कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। और 2 अप्रैल को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों को के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अलग अलग काम करने वाले ऑटिज्म संगठनों को एक साथ लाने का काम करता है ताकि इससे जूझ रहे लोगों के लिए अनुसंधान, निदान, उपचार और स्वीकृति जैसी चीजों में सहायता की जा सके। तो 2 अप्रैल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुजुकी मोटर साइकिल इंडिया के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुजुकी के बारे में आप लोग सुने हैं ना, उसी की बात हो रही है। बताइए कौन होंगे इसमें? ये होंगे केनेची उमेदा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की, गुरुग्राम हरियाणा में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष के T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? एक किम कॉटन है। कौन है? किम कॉटन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें। और श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड देश से संबंध रखने वाली किम कॉटन पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रहे, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला एम्पायर बनी थी, जिन्होंने 2021-22 में हुए बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सिडनी टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर के रूप में काम किया था। किम कॉटन होगा इसमें। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं? तो ये आप देखेंगे, नीरज निगम होंगे। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बना है, नाटो का? और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका एक कारण नाटो को भी माना जा रहा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात हो रही। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें। ठीक है, 31 देश हो गए। तो आप देखिए, फिनलैंड है इसमें। क्या है? फिनलैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की थीम क्या रखी गई है? और देखिए, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो इस बार की थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्या है? बिल्कुल ठीक है आपका। 7 अप्रैल को दुनिया भर में आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है जागरूकता बढ़ाने के लिए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है। यही थे, ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आप देखेंगे कि 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 अप्रैल को मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती या नई माताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और याद रहे, 2003 में ब्राइट रिवन अलायंस की पहल पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। 11 अप्रैल। कौन व्यक्ति LIC के नए मुख्य निवेश अधिकारी बने हैं? निवेश अधिकारी बने हैं, बताइए। LIC के रत्नाकर पटनायक होंगे। सी ऑप्शन है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सुना है ना, उसी की बात हो रही है। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा LIC का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैमलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? और ये देखिए, विधेयक कहने का मतलब होता है कि राज्य में आप देखे आ रहा है, तो विधानसभा से विधान परिषद से मान लीजिए पास हो गया, जहां विधानसभा केवल है वहां विधानसभा से पास हो गया, उसके बाद आप देखिए कि वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल सहमति देते हैं, वो क्या कहलाने लगता है? कानून बन जाता है। जब तक आपका राज्य में विधानसभा विधान परिषद में रहता है उसे विधेयक कहते हैं, कोई भी प्रस्ताव हो। तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा।
कहाँ? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन ठीक है। तमिलनाडु को आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 में ही राज्य बनाया गया था। दक्षिण भारत में आप देखते हैं ना तमिलनाडु, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में आप देखेंगे तो इसकी 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आप देखेंगे रैपिड। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रैपिड एक्स रखा गया है। एनसीआरटीसी ने इस नाम बदलने की वजह बताई कि ब्रांड नाम रैपिड एक्स पढ़ने और विभिन्न भाषा में उच्चारण करने में आसान होगा। यह रैपिड नाम को पहले से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूरे क्षेत्र के नागरिकों द्वारा अपनी यातायात प्रणाली के रूप में अपनाए और पसंद किया गया जा रहा है। तो इसमें भी ठीक है आपका। अगला है, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? ये आप देखिए बेंगलोर, कर्नाटक, बेंगलोर की बात हो रही है, ठीक है? कर्नाटक, बेंगलोर की बात हो रही है। तो इसमें सी ऑप्शन लगा देना। क्या? सी ऑप्शन लगा देना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आप देखेंगे ये हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश के हैं। क्या के? बांग्लादेश के हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश के हैं। हमारा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है ना। और आईसीसी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, ये याद रखिएगा। दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1971 में बांग्लादेश को बनाया गया था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, ठीक है? अगला है, किस महिला क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ये कौन महिला है? तो आप देखेंगे ये हेनरिक इसम्बे रवांडा की है, रवांडा की है। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो पहले हमारे कानून मंत्री, संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर साहब, आप देखते हैं 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, 6 दिसंबर 1956 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, तो इसमें आप लोग भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान का पिता भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम था, क्या था? नाम था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इन मरने के बाद ही दिया गया था, याद रखिएगा पुरस्कार। हाल ही में किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत की पहली एम्स का उद्घाटन किया गया है? ये आप देखिए गुवाहाटी में किया गया है। किसमें? गुवाहाटी में किया गया है। बी ऑप्शन ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति उत्तरा बावकर का 79 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है, ये कौन थी? ये अभिनेत्री थी। सी ऑप्शन ठीक है इसमें, अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक्टिंग की पढ़ाई करने वाली उत्तरा वावकर कई नाटकों फिल्मों में हिस्सा रह चुकी हैं। इनमें आप देखिए मुख्यमंत्री में पद्मावती, मीना गुर्जरी में मीना, शेक्सपियर के ओथेलो में डेंस डेमोना और नाटककार ग्रीस कर्नाड के नाटक तुगलक में माँ की भूमिका निभाई उन्होंने। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कितनी बार दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस, आवास आवाज दिवस की बात हो रही है, ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल को। डी ऑप्शन ठीक है इसमें। क्या है? डी ऑप्शन ठीक है। 16 अप्रैल को लोगों को उनकी आवाज के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे पहले वर्ष 1999 में इस दिन की शुरुआत ब्राजील नेशनल वॉइस डे के रूप में की गई थी, जिसे अर्जेंटीना, पुर्तगाल जैसे देशों में भी मनाया जा रहा था। इसके बाद 2002 में अमेरिकी एकेडमी ऑफ ऑटोलरी ऑटोलरी गोल
लॉजिस्ट हेड एंड नेक सर्जरी ने इसे विश्व आबाद दिवस के रूप में शुरुआत की थी 2002 से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल के अब तक की सबसे तेज 100 क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। ये आप देखें कार्तिक रबाड़ा, और आपको मालूम होना चाहिए आईपीएल चल रहे हैं तो आईपीएल आप देखते हैं कि कब आपके हुए थे शुरू, 2008 में हुए थे, ठीक है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है। पीतिपस दुनिया भर में विश्व कला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व कला दिवस की बात हो रही है तो आप देखेंगे कि विश्व कला दिवस आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को मजा इन इस दिन को लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं, और इस अवसर पर यूनेस्को द्वारा कार्यशालाओं वाद विवाद कार्यक्रम प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए लोगों से अपील भी की जाती है। यहाँ यूनेस्को के बारे में बात हुई है और इसकी स्थापना कब हुई थी, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945 में पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, जरूर याद रखा करिएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, ए हिमाचल प्रदेश, किसने, हिमाचल प्रदेश ने, बी ऑप्शन ठीक है इसमें, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहां आप देखेंगे कि इसकी शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला, इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है, ए नंदिनी गुप्ता है, नंदिनी गुप्ता है, डी ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और 17 अप्रैल को इस रोग से जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, क्योंकि यह बीमारी खून से जुड़ी समस्या है जो जेनेटिक होती है, और जब शरीर में कुछ खास प्रोटीन की कमी हो जाती है तो तब समस्या आती है, तो याद रखिएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ ले आपसे, बस आपको उसका आंसर आना चाहिए, क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, किसकी थीम की अगर हम लोग बात करें, 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, हर हाल में याद रखना चाहिए। थीम है सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्त की रोकथाम इस बार की थीम रखी गई है, ठीक है। और आप देखेंगे कि पहला विश्व हीमोफीलिया दिवस 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की ओर से स्थापित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि हाल ही में कौन अज्ञात शवों को का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये भी आप देखें हिमाचल प्रदेश ही होगा, सी ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, कब, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम रखी गई हेरिटेज चेंजेज। और आप देखिए दुनिया भर की पुरानी स्मारकों और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए खास माना जाता है, और लोग इसके लिए सुरक्षित रखें, इसे इसका महत्व भी समझें, जागरूकता रहे, इसीलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में कौन बिजरन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ए हरमनप्रीत कौर हैं, क्रिकेटर है हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व यकृत वर्ल्ड लीवर डे की बात हो रही है, ये आप देखिए 19 अप्रैल को मनाया जाता है, कब, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है, लीवर हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है और शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए लीवर काफी महत्वपूर्ण भी होता है, तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, रख पाओगे या नहीं रख पाओगे लीवर। वर्ल्ड लीवर डे, सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें और फैटी
लीवर किसी को प्रभावित कर सकता है, इस बार की थीम रखी गई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। थीम से भी कई बार क्वेश्चंस क्या रहते हैं, पूछ लेता है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अब आगे चलते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ। हाल ही में वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? ये आशा भोसले को दिया गया है, आशा भोसले को दिया गया है। ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को, रख पाओगे कि नहीं। हाल ही में कैजाद भरूचा किस निजी क्षेत्र के बैंक के उप प्रबंध निदेशक बने हैं, ये देखने को मिलेगी आपको। HDFC बैंक, कौन सी? HDFC बैंक। और अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पृथ्वीवर्ष लोक सेवक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व लोक सेवक दिवस की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें आप लोग क्या लगा देंगे, 21 अप्रैल आपने लगा देंगे। और आपको बता दूं कि 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है यह दिन उन लोक सेवकों की को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए काम करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में आप देखिए कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, ये आप देखें इनका नाम क्या है, दीपिका मिश्रा। बी ऑप्शन ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं, ये अरुण सिन्हा है। कौन से हैं? अरुण सिन्हा है, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन ठीक लगा देना, ठीक है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप देखेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें, 22 अप्रैल। और आप देखते हैं कि अर्थ डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी, ये आप देखेंगे कि 1970 में हुई थी, सबसे पहले अमेरिकी सेनेटर गे लॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की शुरुआत की थी। और एक साल पहले 1969 में कैलिफोर्निया की सांता बारबरा में तेज रिसाव की वजह से त्रासदी हो गई थी। और आप देखते हैं कि 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है, आप लोग या इस साल की थीम रखी गई इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट रखी गई है इस बार की थीम, ठीक है। पृथ्वीवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक डे की बात हो रही है, ये आप देखेंगे कि कितने तारीख को मनाया जाता है, विश्व पुस्तक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन ठीक है इसमें, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंडिजीनस लैंग्वेजेज इस बार की थीम रखी गई है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इस थीम से भी कई बार क्वेश्चंस क्या रहता है, पूछ लेता है ना, तो उसी लिए बोल रहा हूँ। और आप देखेंगे कि विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत सर्वेंट पब्लिशिंग हाउस के निदेशक विसेंट क्लेवेट ने, ये आप देखेंगे कि साल 1920 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन बजट अपनाने वाला भारत का पहला जल बजट अपनाने वाला राज्य बना है, बजट क्या पूछ रहा है, कौन जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये आप देखेंगे केरल आपको देखने को मिलेगा। क्या? केरल, दक्षिण में आप लोग देखते हैं ना केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें देखने को मिलेगी, 140 हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि 38,863 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, तो 38वां मिला है हमें। कौन सा मिला है? 38वां मिला है हमें। और विश्व बैंक की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, उसी की बात हो रही है। तो 139 देशों की सूची में, 139 देशों की सूची में 38वां स्थान मिला है, और जिसका मकसद तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय को घटाना और धन को बचाना। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि इन नीतियों से भारत को लाभ मिला है ये, तो 38वां याद रखिए। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई है इनकी? ये आप देखिए, भारत की काफ़ी तारीफ भी करते रहते थे, पाकिस्तान के थे, और 1947 के बाद हमारे ही, 1947 तक तो हमारा हिस्सा था, 1947 में अलग हुआ था ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग के शीर्ष संस्था नैसकॉम के वर्ष 2023-24, ये आप देखेंगे कि के लिए अध्यक्ष बने हैं? ये अनंत महेश्वरी होंगे। कौन होंगे? अनंत महेश्वरी। ये आप देखेंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसकी, इस कंपनी की स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें नई दिल्ली में, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपसे पूछ रहा है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई? ये आप देखिए, पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के, अकाली दल से जुड़े हुए थे। और पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। क्या? चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमांत, राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 में। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में आप देखिए 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पंजाब, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये आप देखते हैं कि केरल में किया गया है। कहाँ? केरल में किया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन के बारे में सुना है? इसने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? ये माना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को, माना उत्तराखंड को। बीआरओ के बारे में जान लीजिए आप लोग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चाइना से लगती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिल जाएंगी आपको, तो ये भी याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, कब बनाया गया था बताइए, ये आप लोगों से एक सवाल है मेरा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया? राजकुमार राव को, राजकुमार राव को। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? CFI के नए अध्यक्ष बने हैं, और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, याद रखिएगा। कॉर्बेशन, माफ करिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। पंकज सिंह होंगे इसमें, क्या होंगे? पंकज सिंह, सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? पशु चिकित्सा दिवस तो ये अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को, अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और 29 अप्रैल को ये इस बार मनाया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए, एक तरह से जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है।
और आप देखेंगे कि इस दिवस को प्रतिवर्ष नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान ने 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाने का फैसला किया था। ठीक है, अगला है, हाल ही में कौन चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम क्या है? ये आप देखें, डिंग लेरेन है। कौन है? डिंग लेरेन है, सी ऑप्शन ठीक है इसमें। ठीक है, और प्रतिवर्ष दुनिया भर में 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आप देखते हैं कि दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चंस भी याद रखिए। तो आप देखें, मलेरिया होगा, क्या होगा? ये आप देखें, मलेरिया है। क्या है? मलेरिया, बी ऑप्शन याद रखिएगा, 25 अप्रैल को। और पहली बार विश्व मलेरिया दिवस आप देखते हैं कि कब? 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था, जो मलेरिया आप देखते हैं के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस बार की थीम रखेगी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट रखी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका अप्रैल महीने की जो घटनाएं थी उन्हें भी हम लोगों ने देख लिया, उनके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें भी देख लिया। अगली क्लास में हम लोग मई में जो घटनाएं घटेंगी उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें भी देख लेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों का कोई सवाल हो मुझसे, कोई सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग नीचे बता सकते हैं।